मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। तो जो जगह कल रह गया था, कल मुश्किल से हम लोग दो तीन जगह ही कम्प्लीट विजिट कर पाए। तो बाकी का जो जगह है यहाँ श्रीनगर में, वो हम आज विजिट करेंगे। जैसे शंकराचार्य मंदिर हो गया, उसके बाद और एक दो जगह और क्या बताया था, चश्मशाही, हाँ ऐसे दो तीन जगह और है, परी महल, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम निकल पड़ेंगे पहलगाम के लिए। तो आप देखते रहिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। और वो जो मेरा पिछला वीडियो था वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और एक चीज़ मैं बताना रह गया था, वो जैसे आप श्रीनगर एयरपोर्ट लैंड करते हैं, वहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी ही मिलता है। तो आप प्रीपेड टैक्सी करके कहीं भी जा सकते हैं, आपका जो भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा। अभी मैं घूमने के बाद आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या करने से बेहतर रहेगा, श्रीनगर पहले घूमना या फिर पहले आप दूर का जो है पहलगाम या फिर सोनामार्ग कहीं भी। अब तो मैं बताऊंगा आपको। और टैक्सी हमने प्रीपेड लिया था जो डल लेक है, करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर है श्रीनगर एयरपोर्ट से। तो बोल लिया था हमें कम से करीब करीब 1200-1250 रुपये। तो ऐसे ही चार्जेस रहता है, चार्जेस वहाँ पर प्रिंटेड रहता है, तो कोई भी आपके पास स्कैम नहीं हो सकता वहाँ पे। तो आप चार्जेस वहाँ देखिए, नहीं थैंक यू, वहाँ पे रेट देख के आप वो कर सकते हैं डिसाइड। तो बने रही वीडियो पे। ये मेरा सपना था बचपन से कि मैं यहाँ आऊँ और कौन है शमी कपूर जैसा डांस करो यहाँ पे सिकारा में। अभी मैं बोर्ड में हूँ। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा दिन, लेट हो चुके हैं हम, 10 बज चुका है अभी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बताओ। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। कौन सी मंदिर, क्या नाम था, नाम भी भूल गई। शंकराचार्य। तो ये बेसिकली शिव जी का मंदिर है जो 300 मीटर हाइट पे है सी लेवल से। तो अभी चलते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं, भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से और एक दो साइड देख के हम चलेंगे सीधा पहलगाम। तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, 2 से 2.5 घंटा जैसे हमें ड्राइवर जी ने बोला, 2 से 2.5 घंटा लगेंगे। और उधर काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो ये मंदिर जाने के लिए थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा, वहाँ नीचे से सीढ़ी है और वहाँ गाड़ी भी थोड़ा 200 मीटर दूर, फिर ये सीढ़ी चढ़ के यहाँ से पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। वो देखिए एकदम हाइट पे है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इनका हालत देखो, हालत बताओ एक बार, ख़त्म, ये तो 100 मीटर भी नहीं चले अभी। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चल लोगे। शिव शंभू, जय भोलेनाथ की। देखो कैसे जोश आ गया, जय भोलेनाथ की जय 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 हो। तो फाइनली हमारे मैडम जी बहुत ही संघर्ष करने के बाद ऊपर तक पहुँचे। तो आप क्या कहना चाहेंगे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हाँ। मेरा तो सिर्फ काम, हाँ। खाना पीना सोना। आज फील हुआ, हाँ, हुआ। मुझे देख के कुछ फील हुआ, मतलब वही है जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में रहता है,
कंपेयर टू यस उसका तो बहुत सारा। तो ये है मंदिर, यहाँ पे हम अभी दर्शन करेंगे। ये देखिए ऊपर का एरिया, यहाँ से वो हमारे ड्राइवर भाई साहब बोल रहे थे पूरा जो श्रीनगर एरिया है, सिटी है वो यहाँ से दिखता है पूरा। ये देखिए पूरा श्रीनगर, अभी धुंधला पड़ रहा है थोड़ा, तो हम जल्दी से जल्दी फटाफट विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं। काफ़ी स्टीफ है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है, पूरा श्रीनगर का व्यू आएगा यहाँ से। वो है डल लेक, पूरा पूरा डल लेक, हाउस बोट सारे, कई सारे हैं, हमने तो एक ही जगह एक्सप्लोर किया था। यहाँ से देखिए पूरा डल लेक कितना बड़ा है। ये सारे हाउस बोट है, कितने सारे हैं। अपना बढ़िया से दर्शन हो गया, अभी हम चलते हैं अगला डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो तो बताया नहीं, अभी परी महल हो सकता है और चश्मे शाही नहीं तो परी महल, दोनों में से एक किसी में जाएंगे हम। वैसे थोड़ा लेट हो चुके हैं, शिकार मॉर्निंग हम लोग तो रेडी हो चुके थे, शिकारा थोड़ा लेट से आया, तो अभी इतना भीड़ नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर हिंदू है तो पक्का यहाँ श्रीनगर आके ये मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए सबसे पहले, नहीं वो सबसे बेस्ट रहेगा। मंदिर का दर्शन करने के बाद बाकी जो जगह है वो विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं चश्मे शाही, उसमें क्या है, उसमें भी गार्डन, यहाँ पे मुगलों का गार्डन ही गार्डन भरा पड़ा है श्रीनगर में। चश्मा शाही, वहाँ चश्मा है, पानी निकला। चश्मा मतलब पानी, और शाही मतलब तो बड़े ख्यालात। देखा मुझे भी पता है शाही ख्यालात, तो शाही ख्यालात के होते थे इसलिए सारा गार्डन जो है, अभी तक दो गार्डन विजिट कर चुके हम और ये तीसरा गार्डन, वो भी काफ़ी बड़ा ही होगा, जाके देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए अभी परियों का महल, परी महल। यहाँ पे भी सेम टिकट लेना पड़ता है जो कि 24 रुपये है पर हेड। ये इसका एंट्रेंस, ये देखिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि है ये सेंसिटिव इलाका। ये तो सुंदर है बहुत, हाँ ये तो तभी तो परिया रहती थी यहाँ पे राजा लोग। वापसी में बाकी कुछ विजिट करो ना करो, ये जितना भी गार्डन और परी महल ये पक्का विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप वही ट्रेडिशनल ड्रेस अटायर पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं। ये अंकल लोग थे अभी यहाँ पे खिंचवा रहे हैं, ये देखिए
नहीं, हमने जो जो विजिट किया अभी गार्डन, तो ये वेल मेंटेन भी है और काफ़ी सुंदर है। मतलब इसलिए तो इसका मैं सिनेमैटिक दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये मेरे पीछे मुझे लग रहा है ये जेल है, ये देखिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया ये परी महल में जेल की ज़रूरत किस लिए है यहाँ पे, पता नहीं, वो तो हिस्ट्री देखने से ही पता लगेगा। लेकिन ये मुझे जेल ही लग रहा है, नहीं जेल ही तो है ये परियों के महल में जेल, पूरा पत्थर से बना हुआ जेल, इसको चाकर भी तोड़ नहीं सकते। देखो कितना वो है, लेंथ है इसका वॉल का, देखो ये देखिए। तो कैदी यहाँ से कैसे भी भाग नहीं सकते, ठीक है। ज़्यादा उल्टा पुलटा मत करना, जेल में डाल दूंगा नहीं तो, ठीक है। दोस्तों हम पहुँच गए अभी सिसमसाही, ये भी मुग़लों का गार्डन है और यहाँ भी ले चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ लगा हुआ है और सुंदर भी लग रहा है बाहर से भी। कहाँ दिखा दो, यहाँ पे भी वही सेम, वहाँ पे दे रहे क्या टिकट? अच्छा यहाँ टिकट लेना पड़ेगा यहाँ पे भी। हम चलते हैं सिसमसाही, चलिए। हालत हो गया था, हम फ्लैट जगह से रहने वाले लोग इतना सीरियस चलेंगे। चलो भैया जोश दिखाओ, जोश जोश होना चाहिए, जोश मन में। देखो भैया भी हंस रहा है देख के। जोश नहीं है गया सारा जोश। तो ये आ गए हम सिसमसाही, ये काफी फूल लगा हुआ है रंग बिरंगे, अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, घूमना इतना आसान है? इनका हालत देखिए, देखिए सीरी देख के ही ये, बहुत ही अच्छी हूं मैं, क्या हो गया? सीरी देख के ही हालत टाइट हो जाता है। अभी चलो देखते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों ये तो मैंने जोश देने के लिए बोला था, ठीक है। देखा देखा जोश देख के कैसे काम आ गया, तुरंत चढ़ गई, नहीं तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगाते, मेरा काम बन गया। ऐसे होना चाहिए, कपल बढ़िया से फोटो खिंचवा रहे हैं, बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे पूरा, तो बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हुए हैं पूरा। ये इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू मुगल गार्डन, तो यहाँ बताते हैं ये जो पानी निकल रहा है इसको पीना चाहिए। जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि ये पानी जो है इसका सेवन करना चाहिए, पानी का अच्छा होता है। हम भी देखते हैं, हाँ
तो कर लिया हमने, पानी पी लिया, अभी तंदुरुस्त। पाप तो पहले ही धुल चुके हैं वहाँ नेपाल में, ठीक है, पाप पूरा धुल चुके हैं हमारे, अभी दूसरा, अभी फिर से पाप करने के लिए तैयार हैं हम। आपको पाप धुलना है तो आपको जाना पड़ेगा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ जाओगे वहाँ पे आप, वहाँ अगर नहाओगे तो सारा पाप धुल जाएगा। दोस्तों हमारा जो है, हमारा पाप जो है पूरा धुल चुका है, अभी हल्का हल्का भी फील हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक डेयर डू कर सकता हूँ, हाँ मैं सारा डेयर कर सकता हूँ। यहाँ से स्लाइड करके नीचे जाओ, स्लाइड वो जूता खराब हो जाएगा। नहीं कर पाओगे तो। कर पाऊंगा लेकिन जूता पैंट खराब हो जाएगा। आ जा, इंजेक्शन लगा दो, लगा दो इंजेक्शन। अभी ये तैयार हो रही है फोटो के लिए, फोटो खिंचवा ही लेते हैं आखिर में। तो आपको फोटो खिंचवाना है तो मैं रेट दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए 187 रुपीस विथ कश्मीरी ड्रेस, और आपको बड़ा साइज में चाहिए तो 242 और 280, और ये इसमें आपको फोटो कॉपी भी मिलेगा। ये पूरा मेकअप चल रहा है अभी शूटिंग के लिए। It's lifetime memory. You are not going to wear it again and again. Kashmiri बन गए तुम तो पूरा। हाँ अच्छा लग रहा है। ले ही लो एक ड्रेस। कहाँ पहनूंगी फिर? हाँ घर में। घर में? हाँ हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम झकास। देखना एक बार। हाँ अच्छा लग रहा है। कहाँ है फोटोग्राफर मेरा? तो दोस्तों हमने शशमशाही बाग ये भी देख लिया, और यहाँ पे नारियल पानी का मजा लेते हुए, और अभी हम चल देंगे सीधा पहलगाम। तो 2 से 2.5 घंटा लगेंगे यहाँ से, अभी बच चुका है 12, और लंच भी करना है हमें ऑन द वे, तो चलते रहते हैं। और रास्ते में जो जो आएगा, अभी खास कर तो अभी जो एप्पल गार्डन है ये सब आने वाला है, तो देखते रहिए, आगे चल के दिखाता हूँ। एप्पल तोड़ के खाते हैं एक साथ मिलके, तो बने रहिए वीडियो पे। ये दोस्तों हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, और ये मेरे साइड में देख सकते हैं केसर का खेती पूरा। अभी कौन से महीने में, कौन से अगले महीने ये फूल दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर फूलेंगे इसमें पूरा केसर। ये देखिए दोनों साइड में पूरा केसर का खेती यहीं पे होता है, पूरे बड़े एरिया में। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये केसर का खेती है। लेट पूरा बोलते हैं इसको, यहाँ पास में खेती होता है, और ये मार्केट पूरा। आपको केसर वगैरह खरीदना है तो यहीं से खरीदिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप यहीं से खरीदें, क्योंकि यहाँ पे माल अच्छा मिलेगा। नहीं माल बढ़िया मिलेगा एकदम। दोस्तों आप सब ने ये पुलवामा अटैक के बारे में तो सुना होगा, जहाँ पे हमारे CRPF के बहुत सारे भाई लोग जान गंवाए थे, तो यही वो एरिया है। ये देखिए यहाँ जहाँ ये लेडीज़ खड़ी है, हाँ ये जो लेडीज़ खड़ी है उधर उस साइड में, उसी इलाके में ये अटैक हुआ था। देखिए ये पूरा हाईवे है, तो हम यहाँ पे रुके हुए क्योंकि एक कॉन्वॉय आ रही है आगे से, इसलिए रुक के रखा है। ये देखिए आर्मी का कॉन्वॉय, काफ़ी स्पीड में चलते हैं। सेफ्रॉन ना, ये है सेफ्रॉन का फूल।
यहाँ पे सैंपलिंग के लिए हमने रखा है बोर्ड से फोटो आए मेरा वाले हाँ बिल्कुल आपका सबका ये रहा ये है ना हाँ फार्मास से फ्रंट तो आप केसर वगैरह खरीदना है ड्राई फ्रूट्स खरीदना है यहाँ से खरीद सकते हैं हमें पीना है अभी कावा कावा वो तो हम आने के टाइम में खरीदेंगे आपसे हाँ ड्राई फ्रूट सब ले जाएंगे जाने के टाइम में सब कुछ मिलेगा ना ड्राई फ्रूट सब कुछ एवरीथिंग इन ड्राई फ्रूट ये देखिए पूरा ड्राई फ्रूट्स शिलाजीत भी मिलेगा शिलाजीत सैफ्रन आलमंड्स वॉलनट्स कहवा आलमंड ऑयल वॉलनट ऑयल एप्रिकॉट ऑयल हनी मिलेगा आपके आपको ब्लूबेरी ब्लैकबेरी क्रैनबेरी चेरी सब कुछ रेडबेरी सब ले लेना रेड पीच येलो पीच एप्रिकॉट्स व्हाइट एप्रिकॉट्स रेड एप्रिकॉट्स मिलेगा आपको यहाँ पे मुनक्का मिलेगा आपको यहाँ पे शेल आलमंड्स विद शेल आलमंड्स विदाउट शेल क्या नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे तो आप आइए यहाँ से सब कुछ खरीद सकते हैं तो हम जाने के टाइम में खरीदेंगे अभी कौवा पी लेते हैं टेस्ट करते हैं कौवा कैसे होता है तो ये है कश्मीरी कौवा क्या क्या मिक्स करते हैं इसमें बताइए ना सर गरम मसाले होते हैं मिक्सर मेन इंग्रेडिएंट रहता है सैफ्रन दूसरा आता है इसमें ग्रीन इलायची दालचीनी होता है इसमें मुलट्ठी होता है इसमें होता है जिंजर रोज पेटल्स होते हैं इसमें 11 स्पाइस होते हैं पूरे अगर कोई विदाउट शुगर पीना चाहता है तो उसके लिए रॉ फॉर्म का क्या इसमें शुगर क्या हुआ है ना इसमें होता है 20% शुगर और एक्स्ट्रा हम डालते हैं ऊपर मोर टेस्ट के लिए हम डालते हैं हनी सैफ्रन चाहे सैफ्रन वाला हनी होगा या वाइट हनी होगा अच्छा दो किस्म का हनी हमारे पास होता है थैंक यू तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है तो अभी बच चुका है 2 लगभग 1.5 घंटा हो चुका है हमें ट्रैवल करते करते ये तो सो गई है पूरा तो हम अभी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं सुंदर लग रहा है सफ़र रेस्टोरेंट सफ़र है सफ़र कहाँ बैठोगे इसमें पीछे भी है देखो बैठने का एरिया काफ़ी बढ़िया बहुत ही सुंदर लग रहा है जिस तरह से बनाया गया है हम लोग बाहर ही बैठेंगे ये देखिए पूरा सुंदर लग रहा है एकदम से सिफर है ना आप लोग ये देखिए काफ़ी बढ़िया स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे मैच चल रहा है बढ़िया बढ़िया है गुड एम्बियंस पीछे देखो पहाड़ पूरा विंटर सीजन में पूरा जो है बर्फ से ढक जाता होगा ये उधर ऊपर भी पोस्ट है आर्मी का पोस्ट होगा तो काफ़ी मज़ा है अभी खाना टेस्ट करते हैं तो हम लोग का शाही खाना आ गया अभी ये देखिए मुगलों वाला खाना खाएंगे आज अभी जो आप सबका इंतज़ार था एप्पल वैली ये देखिए हम पहुंच गए एप्पल गार्डन ये देखिए बहुत मन था ऐसे एप्पल तोड़ के खाने के लिए आज मौका मिला है देखो चलो देखो पूरा जूसी एकदम आपको मैं एप्पल दिखाता हूँ पूरा ये देखिए एप्पल पूरा एप्पल ही एप्पल
ये मेरे घर में होने से इतना मज़ा आता। ये यहाँ 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 तोड़ सकते हैं। यहाँ से बाहर जो जाओगे ना तो आप ये जो एरिया के अंदर है इसमें एप्पल तोड़ सकते हैं, तोड़ के खा सकते हैं यहाँ। ये देखिए कितना एप्पल। तो ये था दोस्तों पूरा एप्पल गार्डन। ये क्या जूस या जेली? एप्पल जैम, एप्पल चटनी, एप्पल सॉस, चटनी भी बनता है। ये देखिए एप्पल चटनी वगैरह सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पिकल वगैरह, पिकल एप्पल का ही बनता है। तो अभी हम जाने के टाइम में खरीदेंगे ये सब, टेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट कराते हैं ये लोग। और जूस, एप्पल जूस, ये फ्रेश जूस। जूस तो अभी ले लेते हैं, ट्राई करेंगे इसको। भैया टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। ये कौन सा है? एप्पल पिकल सर। आज पहली बार खा लो, पीस खा लो, पीस। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करेंगे ना। सॉस एप्पल चटनी, ये था सॉस। ये सॉस? यस सर, एप्पल सॉस। ये भी पिकल? ये चटनी सर, एप्पल की। कैसा सर? सब बढ़िया। ये कश्मीरी गार्लिक चटनी सर। ये कौन सा है? कश्मीरी गार्लिक चटनी, गार्लिक। ये सही लगा मुझे सॉस। ये सर गार्लिक के स्टम्स, ग्रीन गार्लिक पिकल। ये भी गार्लिक? गार्लिक के स्टम्स ऊपर वाले। ये सर फ्रेश एप्पल जैम। सही है टेस्ट। ये जैम, फ्रेश एप्पल जैम। मान ही नहीं रहा सर, अगर लेने वाले तो बाहर चले गए। फ्रेश शेट कितने का? हाँ सर 100 rupees के जी तोड़ के। ये कितने का? 100 से 50। तोड़ के 100 rupees? हाँ सर बेटा जी। हाँ सर। ये सर वॉलनट एप्पल हनी सैफ्रॉन मिक्स में जैम, इसमें वॉलनट है, एप्पल है, हनी है, सैफ्रॉन है। तो दोस्तों ये देखिए टेस्ट बुरा। जूस, जूस किधर मिल गया? मैंने सारा टेस्ट कर लिया लगभग, बहुत ही मज़ा आया। खासकर एप्पल सॉस, एप्पल सॉस दिखाना। एप्पल सॉस, एप्पल सॉस दे दो मुझे, एक एप्पल सॉस एक ले ही ले रहा हूँ। लेना है कुछ? हाँ ले आएंगे। साइड में देख सकते हैं, क्या बताया ये नदी का? लेदर, 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 लेदर नदी। इसमें समर सीजन में, अब समर सीजन में अभी तो राफ्टिंग होता है यहाँ पे, रिवर राफ्टिंग। और वो उधर देख रहे हैं ये सारे होटल है, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया से पिकनिक मना सकते हैं यहाँ रिवर साइड में, बहुत ही शानदार। देखिए अभी पानी कम है, समर सीजन में पानी ज्यादा होगा, उस टाइम राफ्टिंग बढ़िया से हो गए यहाँ पे। तो हम पहुँच गए पहलगाम, और यहाँ पे क्या वो देखना पड़ेगा, आप बता दीजिए क्या क्या है यहाँ पे। तो ये भाई साहब हमें बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है, किसका प्राइस कितना रहेगा। ये पूरा पूरा एक ही बार में या फिर अलग अलग है? ये तो एक नंबर है ना 1850, नंबर टू जिसमें उसमें 5 पॉइंट आएगा 2420। अच्छा ये अब कश्मीर वैली दुबैन बैशर, ये देखोगे तो 1850 लगा। ये एक एक आदमी का इसमें आएगा 5 कश्मीर वैली 5 जगह। अच्छा यही कवर हो रहा है इसमें ना 2420। टाइम कितना लगेगा किसमें ये बता दीजिए? एक और दो अगर जाएगा हाँ, इसमें लगेगा 2 घंटा। 2 घंटा आने जाने में टाइम आपके ऊपर, 2 घंटा हाँ आने जाने का। आने जाने मतलब एक टाइम में 1 घंटा नहीं, समझो आपको पॉइंट पर
जब उतरेगा ना पॉइंट पर टाइम वाइम समय दो घंटा लगेगा। दो घंटा आने जाने का? और ये सिर्फ एक ही जगह पे जाएंगे? ये वाला एक और दो। हाँ और ये तीन चार? तीन चार। ये इसमें कितना टाइम लगेंगे? इसमें पूरा दो घंटा लगेगा। अच्छा सारा ही बोला क्या ये? तो 22 रन 1320 अगर एक नंबर जाएगा इस पे पैकेज में जाएगा 1850। इसमें एक दो तीन तीन जगह कवर होगा, जगह हो जाएगा। हाँ फिर दूसरा नंबर आएगा इसमें हो जाएगा एक दो तीन चार, चार जगह, चार जगह। और ये पाँच और छह, ये अलग है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? तो करके ही जाते हैं, ये दो नंबर वाला करेंगे हम 2420 रुपए में। 2420 रुपए कश्मीर वैली दुबैन बैसरन दिनाओ वैली और बस ये। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पहलगाम, ये देखिए पहलगाम पहुंच गए। और जो है हमने होटल भी कर लिया यहाँ पे नूर महल, यहाँ से जो है पौनी राइड यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे हाँ इधर रहेंगे पौनी राइड यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यही होटल ले लिया। अभी आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। ये रहा अपना रूम, छोटा सा कमरा है, कॉम्पैक्ट ठीक है लेकिन व्यू काफी बढ़िया। देखिए फ्रंट वाला है, फ्रंट यही से सारे जगह घूमने के लिए पोनी राइड प्लस जितना भी टैक्सी है सब यही पे टैक्सी स्टैंड है ना। और आरा वैली ये सब जाने के लिए आरू वैली यही से जाती है क्या? जी सर यही रोड है, यही ना। तो ये बिल्कुल आरा वैली से अलग रोड है और बेटा वैली और चंदनवाड़ी जो है वो दूसरी रोड है, इसी रोड पे आ जाएगा। अच्छा तो वो वैली और चंदनवाड़ी जो है ना एक ही रोड पर आता है, कौन सा ज्यादा सही है? हमारे ख्याल में तीनों तो अच्छी है, क्या पता आपको कैसा लग जाएगा। नहीं फिर भी आपके हिसाब से नहीं सर, तीनों सर ठीक है, देखने का जगह है, देखने की जगह है। अच्छा एक ही बार में दिखा देते हैं ना वो लोग? हाँ जी एक ही बार में, एक ही गाड़ी। हर अच्छा, अच्छा। एक घंटा होता है, कितना लेता है वो तो उनका रेट फिक्स है। फिर भी जैसे आप सब गाड़ी लोगे गाड़ी की गाड़ी लेके वैसे ही रेट उनकी भी। फिर भी छोटी गाड़ी हो तो नॉर्मल सर 2100-2000 तक कोई छोटी गाड़ी। ठीक ठीक। तो ये रूम हमने लिया 2000 रुपए में, बढ़िया रूम मिल गया ना 2000 में। तो आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करने से भी ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं कहाँ किस लोकेशन में हो। यहाँ पे हम लोकेशन पे आ गए, देखिए यहीं पे गाड़ी अपना रुका हुआ है और वही देखो झरना, यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह सब इधर से ही होता है। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, अच्छा लगा, बहुत फ़ायदा हो गया। तो चलिए अभी बढ़िया से चेंज वेंज कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं फ्रेश होके। हम अभी विंडो शॉपिंग के लिए निकले हैं पहलगाम सिटी में, काफी अच्छा खासा है। तो पहलगाम सिटी है, अच्छा है ना? ये देखे रात को कुछ इस तरह से, तरह से होता है ये, काफी अच्छा है यहाँ आके नाइट स्टे करने के लिए, काफी बढ़िया स्ट्रीट है। ये देखो ये लाइट वगैरह स्ट्रीट लैम्प वगैरह बढ़िया लगा रखा है यहाँ पे डिजाइनर। Don't fly too high.